हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुनील एंड यू आर वाचिंग हिज माय कार सर्च। और आज हम बात करने वाले हैं दिवाली तक हमारे पास क्या कुछ ऑप्शन होंगे अगर हमारा बजट 6 लाख तक का है, या 6 से 7 लाख, या 5 से 6 लाख तक का है, तो हमारे पास क्या कुछ ऑप्शंस और आने वाले हैं अभी जो एग्जिस्टिंग ऑप्शंस हैं उसके अलावा। यानी कि मेरा मतलब है कि दिवाली तक हमें कौन सी ऐसी कार हैं जिनके लॉन्च होने की संभावना है, या जो कार्स लॉन्च हो जाएंगी दिवाली तक। तो इसमें सबसे पहली जो कार आती है, जो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में भी है और जिसके फेसलिफ्ट वर्जन का काफ़ी सारे लोग बहुत दिनों से इंतज़ार भी कर रहे हैं और जिसका आना भी ज़रूरी है क्योंकि उसकी मार्केट में पकड़ कमज़ोर पड़ती जा रही है क्विड और टियागो के आने के बाद, और वो कार है मारुति सुजुकी की सेलेरियो। सेलेरियो को लॉन्च हुए 2-3 साल से भी ज़्यादा हो चुका है और उसमें अभी उसको अपग्रेड करने की काफ़ी ज़रूरत है मारुति को, क्योंकि वो अब काफ़ी आउटडेटेड दिखती है, काफ़ी ओल्ड टाइप की दिखती है, और इसीलिए मारुति उसके फेसलिफ्ट वर्जन पे काम कर रही है जो दिवाली के आसपास, दिवाली से पहले ही लॉन्च हो जाएगी। और ये कार काफ़ी अच्छा करने वाली है क्योंकि सेलेरियो अभी भी काफ़ी अच्छा करती है। और इसमें क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं, इसके एक्सटीरियर में कुछ चेंजेस किए जाएंगे और इसके सामने एक ग्रिल, बड़ा सा ग्रिल भी आ सकता है। इसमें LED DRLs, प्रोजेक्टर हेडलैम्प के ऑप्शन भी आ जाएंगे। और इसके साथ जो सबसे बड़ा चेंज इसमें होने वाला है वो ये होगा कि इसके बूट स्पेस को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, जहाँ तक मेरा मानना है। और इसके साथ ही इसमें सबसे बड़ा जो चेंज होगा वो होगा कि इसमें आपको मिलेगा टच स्क्रीन एंटरटेनमेंट सिस्टम। तो टच स्क्रीन एंटरटेनमेंट सिस्टम सेलेरियो के टॉप एंड वेरिएंट में आने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही इसका डीजल इंजन भी आने की संभावना है और इसमें भी आपको AMT मिल जाएगा। तो ये सारे चेंजेस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मारुति सुजुकी के सेलेरियो में। इसका लुक काफ़ी चेंज किया जाएगा और इसको काफ़ी अच्छा लुक देने की कोशिश की जाएगी टच स्क्रीन एंटरटेनमेंट सिस्टम के साथ। तो ये तो रही मारुति सुजुकी सेलेरियो, और इसकी प्राइस भी सेम रहेगी जो अभी करंट सेलेरियो की है, कुछ 5 से 7 हज़ार रुपये या 8 हज़ार रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 10 हज़ार रुपये टॉप एंड वेरिएंट में इसकी प्राइस बढ़ सकती है। सिर्फ बहुत ही नॉमिनल चेंजेस होगा। तो आप अगर एक हैचबैक लेना चाहते हैं एंट्री लेवल में, तो आप मारुति सुजुकी सेलेरियो के लिए रुक सकते हैं क्योंकि वो कार काफ़ी अच्छी है और अपग्रेड होने के बाद और भी अच्छी हो सकती है। दूसरी जो कार है जिसको दिवाली 2017 तक आने की संभावना है वो है हुंडई की ईऑन। हुंडई की ईऑन को लॉन्च हुए भी काफ़ी साल हो गया और तब से हुंडई ने इसको ज़्यादा कुछ चेंजेज नहीं किया, इसका कोई फेसलिफ्टेड वर्जन नहीं आया है। और ये क्विड और टियागो के आने के बाद, या डैटसन रेडी गो के आने के बाद, या डैटसन गो के आने के बाद काफ़ी पिछड़ सी गई है। तो ईऑन का भी एक फेसलिफ्टेड वर्जन 2017 दिवाली तक आने की पूरी संभावना है और इसमें भी काफ़ी कुछ चेंजेस किए जाएंगे। इसमें भी आपको AMT और टच स्क्रीन एंटरटेनमेंट सिस्टम के साथ ये कार आएगी और इसमें भी एक्सटीरियर में काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके साथ जो तीसरी कार है वो होगी डैटसन गो क्रॉस। सो डैटसन अपने रेडी गो और डैटसन गो और गो प्लस के साथ काफ़ी अच्छा कर रही है इंडियन मार्केट में, और इसलिए वो अब एक और कार लेके आएंगे डैटसन गो क्रॉस, जिसकी प्राइस होगी 5 से 6 लाख रुपए के आसपास और जो काफ़ी कुछ फीचर देगी। और मुझे उम्मीद है कि डैटसन इस बार डैटसन गो क्रॉस में कुछ सेफ्टी फीचर्स को भी ज़रूर इंक्लूड करेगी, जैसे कि ABS जो उसके किसी भी कार में अभी तक नहीं आती है। तो ABS प्लस EBD के साथ वो डुअल एयरबैग भी दे सकती है डैटसन गो क्रॉस में। इसके साथ ही एक और कार है जो दिवाली तक आने की संभावना है, वो है रेनो क्विड का रेसर वेरिएंट। सो रेनो क्विड काफ़ी वेरिएंट लाता रहता है टाइम टू टाइम और यही उसके सक्सेस का एक और कारण भी हो सकता है। तो इसी के साथ ये कुछ इसके ग्राफिक्स वर्जन को के साथ इसमें कुछ रेनो क्विड रेसर वेरिएंट लेके आएंगे, एक फेसलिफ्टेड टाइप का ही होगा या फिर कलर वेरिएंट या ग्राफिक्स ऑप्शंस के साथ ये आएगा, जैसे कि क्विड क्लाइंबर आया था जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ग्राफिक्स या कलर और क्रोम एसेंट ऐड किए गए थे और क्लाइंबर लॉन्च किया गया था। उसी के साथ ही उसी के जैसे ही ये रेनो क्विड रेसर भी होगी जो दिवाली तक आ जाएगी। इसकी प्राइस भी क्विड क्लाइंबर के आसपास ही होगी, यानी कि 6 लाख के नीचे 5-5.5 लाख में आपका इसका टॉप एंड वेरियंट आपको मिल जाएगा।
हालांकि इसके इंजन में कुछ चेंज होने की संभावना नहीं है, थोड़ा बहुत ट्यून करके इसको थोड़ा और अच्छा पावरफुल बनाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन जिसकी संभावना काफ़ी कम है। ये सेम इंजन वेरिएंट सेम पावर के साथ ही आएगी जहाँ तक मेरा मानना है। और इसी के साथ एक और कार जिसकी मारुति सुजुकी काफ़ी दिनों से उस पर काम कर रही है, वो है मारुति सुजुकी वैगनार का 7 सीटर वेरिएंट। सो मारुति सुजुकी वैगनार जो उसकी काफ़ी अच्छी हॉट सेलिंग टॉल हैचबैक है या टॉल बॉय कार है जो काफ़ी बिकती है इंडियन मार्केट में, हालांकि डिज़ाइन काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है लेकिन फिर भी लोग जाने क्यों इसको खरीदते हैं और काफ़ी ज़्यादा बिकती है। तो मारुति अब उसको 7 सीटर में भी एक कार लेके आना चाहती है, वैगनार का 7 सीटर वर्जन जो कम्पीट करेगी डैटसन के गो प्लस के साथ। तो वैगनार का 7 सीटर वेरियंट भी दिवाली के आसपास आ जाएगा और इसकी प्राइस भी 5 से 6 लाख के आसपास ही होगी। एक बजट में आपको MPV का ऑप्शन और मिल जाएगा आपको वैगनार 7 सीटर के आने के बाद। तो ये तो रही कुछ अपकमिंग कार्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अगर आपको इन कारों के बारे में डिटेल चाहिए तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, मैं इसके डिटेल वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें आपको सारे फीचर्स और क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको दे दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं सुनील इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोज लेके आता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर, और अच्छे से कार चलाइए, सीट बेल्ट पहनिए और सेफ चलिए।